कोरोना महामारी के काल में पूरी दुनिया भर के बाजारों में काफी उथल पुथल देखने को मिली थी, जहां कई तरह के कारोबारों में गिरावट का सामना करना पड़ा। वहीं लॉकडाउन की वजह से तेल की मांग में भी भारी कमी आई थी, जिसकी वजह से तेल की कीमतों में भी भारी गिरावट दिखी थी। बाजार में तेल की कीमतों को बहुत अधिक गिरने से रोकने के लिए तेल उत्पादन करने वाले देशों के समूह ओपेक ने तेल उत्पादन की मात्रा में कमी का निर्णय लिया था, ताकि बाजार में तेल की कम सप्लाई हो और तेल की कीमत बनी रहे। ऐसा करने का मकसद बाजार में संतुलन बनाए रखना था, और अगर सऊदी और यूएई में करार फाइनल हुआ तो तेल कीमतों में भारी वृद्धि का सामना कर रहे भारत को भी निश्चित रूप से राहत मिलेगी। यूएई और सऊदी के बीच होने वाले समझौते पर इसलिए भारत भी नजर बनाए हुए है, लेकिन कोरोना संकट के बाद जैसे जैसे फिर से दुनिया खासकर विकसित देशों में आर्थिक गतिविधियां शुरू होने लगी हैं, वैसे वैसे मार्केट में तेल की मांग भी बढ़ने लगी है। इसके कारण तेल की कीमतों में भी वृद्धि हुई है। अब इन बढ़ती तेल की कीमतों को काबू में करने के लिए ओपेक देश दोबारा से तेल उत्पादन की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन दो बड़े उत्पादनकर्ता यानी कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच नीतिगत गतिरोध की वजह से ये डील नहीं हो पा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब और यूएई दोनों एक समझौते के लिए सहमत हो गए हैं। ओपेक से जुड़े एक सूत्र ने बताया है कि सऊदी अरब और यूएई दोनों ही देश गतिरोध को तोड़ आगे बढ़ने के लिए राजी हो गए हैं। ओपेक देशों और रूस के नेतृत्व वाले देशों से बने समूह को ओपेक प्लस कहते हैं। ओपेक प्लस के बीच आउटपुट पॉलिसी पर अंतिम फैसला लेना अभी बाकी है। पिछले महीने ओपेक और रूस के नेतृत्व वाले देशों के बीच उत्पादन बढ़ाने को लेकर हो रही बातचीत सऊदी अरब और यूएई के बीच उभरे मतभेद के कारण स्थगित हो गई थी। अब दोनों देशों की सहमति के बाद ऐसा लगता है कि जल्द ही तेल उत्पादन में बढ़ोतरी को लेकर एक बड़ा समझौता संभव है। पिछले साल कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए ओपेक प्लस देश 10 मिलियन बैरल प्रतिदिन उत्पादन कम करने के लिए राजी हुए थे। धीरे धीरे जैसे जैसे तेल की मांग बढ़ी, इसमें और अधिक सहूलियत दी गई। इस तरह लगाए गए प्रतिबंध की मात्रा घटकर 5.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन पर आ गई। जिस डील पर सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच गतिरोध चल रहा था, उसके अनुसार 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन उत्पादन बढ़ाया जाना था, ताकि मार्केट में तेल की बढ़ रही कीमतों को काबू में लाया जा सके, जो पिछले 1.5-2 साल में अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।